सो गाइस, इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी सीजन 9 के ऑक्शन से पहले बेंगलुरु बुल्स की टीम कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, आखिर कौन कौन से प्लेयर रिलीज होने वाले प्रो कबड्डी सीजन 9 से पहले, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेडर्स से, आखिर कौन कौन से प्लेयर्स को बेंगलुरु बुल्स की टीम रिटेन कर सकती है। बात करते हैं सबसे पहले प्लेयर की, तो गाइस सबसे पहले प्लेयर यहाँ पे पवन सहरावत है। पवन सहरावत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड इस सीजन ना ही सिर्फ रेडिंग में डिफेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। लास्ट सीजन इनको रिटेन किया था, कितने प्राइस में रिटेन किया था वो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुआ, लेकिन इस सीजन भी डेफिनेटली बेंगलोर की टीम इनको रिटेन करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे रेडर की, तो गाइस जो दूसरे रेडर है वो यहाँ पे दीपक नरवाल है। ऑफ कोर्स दीपक नरवाल ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन इनको थोड़ा कम प्राइस में ऑक्शन में खरीदा था, जहाँ पे 26.50 लाख में इनको खरीदा था एंड इस सीजन अगर इनको रिटेन करती है तो लगभग 30 लाख तक इनको देने होंगे। तो यहाँ पे अच्छे प्राइस में अच्छे रेडर यहाँ पे मिल जा रहे, तो डेफिनेटली दीपक नरवाल को बेंगलोर की टीम रिटेन कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे रेडर की, तो गाइस जो तीसरे रेडर है वो यहाँ पे अबू फजल मकसोदलू है। अबू फजल मकसोदलू सीजन 8 में इतना कमाल नहीं मचा पाए, लेकिन तभी भी लास्ट सीजन के ऑक्शन में इनको 13 लाख में खरीदा था एंड इस सीजन इनको रिटेन करेगी तो 15 लाख पे करने हो गए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 15 लाख के अमाउंट में एक अच्छा रेडर मिल रहा है जो यहाँ पे अबू फजल मकसोदलू है एंड इनको बेंगलोर की टीम रिटेन कर सकती है। एंड वहीं पर चौथे रेडर यहाँ पे डोंग क्यूनली है। डोंग क्यूनली को कम मौका दिया गया, लेकिन जब भी मौका दिया गया है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इनको ऑक्शन में 12.50 लाख में खरीदा था एंड अगर इस सीजन इनको रिटेन करेगी तो 14 लाख में इनको रिटेन कर सकते। तो यहाँ पे कम प्राइस के अमाउंट में एक अच्छा रेडर मिल रहा है एंड आने वाले सीजन्स में अगर उसी कोच के अंडर प्रैक्टिस करते तो यहाँ पे और भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका इंप्रूव हो सकता। तो यहाँ पे डोंग क्यूनली को बेंगलोर की टीम रिटेन कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें रेडर की, तो गाइस पांचवें रेडर जो यहाँ पे रिटेन हो सकते वो यहाँ पे भरत है। ऑफकोर्स भरत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जहाँ पे मतलब कि डेफिनेटली जब पवन सहरावत का फॉर्म नहीं चल पा रहा था, जब वो आउट हो जा रहे थे, चंद्र रंजीत जब नहीं चल पा रहे थे, तो यहाँ पे भरत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो डेफिनेटली भरत को यहाँ पे बेंगलोर की टीम रिटेन करने वाली। प्राइस यहाँ पे रिवील नहीं हुआ कि आखिर कितने में इनको खरीदा, आपको पता है इनका प्राइस कितना है, आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं छठवें रेडर की, तो गाइस यहाँ पे छठवें रेडर यहाँ पे मोरे जीबी है। मोरे जीबी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो कम प्राइस में लास्ट सीजन में खरीदा था, जहाँ पे इनका प्राइस 25 लाख था एंड अगर इस सीजन रिटेन करती है तो इनको 28 से लेकर 29 लाख तक पे करने हो गए। तो यहाँ पे देखा जाए तो आराम से अच्छे प्राइस में अच्छे रेडर है एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो गाइस ये 6 रेडर्स है जहाँ पे बेंगलोर की टीम रिटेन कर सकते, जहाँ पे पवन सहरावत, दीपक नरवाल, अबू फजल मकसोदलू, डोंग क्यूनली, भरत एंड मोरे जी भी है। अब यहाँ पे चंद्र रंजीत का नाम निकल के नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे चंद्र रंजीत को बेंगलोर की टीम ने लास्ट सीजन में लगभग 80 लाख रुपीज में खरीदा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई प्राइस है एंड अगर इनको रिटेन करना चाहेगी तो 15% और जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में उस हिसाब का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे, तो देखा जाए तो ज्यादा चांसेस है इनको रिलीज कर सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफेंडर्स की, तो गाइस फटाफट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डिफेंडर यहाँ पे अमित शौरान है। अमित शौरान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड इस सीजन डेफिनेटली इनको रिटेन करेगी, लास्ट सीजन में इनको रिटेन किया था। जो दूसरे डिफेंडर है वो यहाँ पे सौरभ नंदल है। सौरभ नंदल को भी लास्ट सीजन बेंगलोर की टीम ने रिटेन किया था एंड इस सीजन में रिटेन कर सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। जो तीसरे डिफेंडर है वो यहाँ पे मोहित सहरावत है। मोहित सहरावत का परफॉर्मेंस सही था, बेटर था, लेकिन लास्ट सीजन को रिटेन किया था एंड जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया उसके बेसिस पे अगेन इनको रिटेन कर सकती है। एंड जो चौथे डिफेंडर वो यहाँ पे मयूर कदम है। मयूर कदम का भी परफॉर्मेंस एवरेज था, 15 लाख में लास्ट सीजन खरीदा था एंड अगर इस सीजन रिटेन करेगी तो इनको 17 लाख तक पे करने होंगे। तो देखा जाए तो इतने प्राइस के अमाउंट में काफी बेहतरीन डिफेंडर है। एंड जो छठवें डिफेंडर है वो यहाँ पे महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं एंड देखा जाए 50 लाख में सीजन 7 के ऑक्शन में खरीदा था एंड अगर इस सीजन रिटेन करेगी तो इनको 57.50 लाख पे करने होंगे। तो देखा जाए तो 6 डिफेंडर्स है जहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम इनको रिटेन कर सकते, जहाँ पे अमित शौरान, सौरभ नंदल, मोहित सहरावत, मयूर कदम, अमन एंड महेंद्र सिंह है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलीज प्लेयर्स के बारे में, अगर इस हिसाब से बेंगलुरु की टीम रिटेन करते तो कौन कौन से प्लेयर रिलीज होने वाले। तो गाइस यहाँ पे रिलीज प्लेयर लिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे चंद्र रंजीत, जयदीप, अंकित, नसीब, रोहित सिंह, विकास,
दास, रोहित कुमार एंड सचिन है। देखा जाए तो यहाँ पे चंद्र रंजीत को यहाँ पे बेंगलोर की टीम चाहेगी रिटेन करे, लेकिन प्राइस ज्यादा है एंड उस प्राइस में अगर रिटेन कर लेती तो यहाँ पे लगभग 1 करोड़ तक पर्स लिमिट इनका खत्म हो जाएगा, तो ना चाहते हुए भी इनको रिलीज करना पड़ेगा। एंड आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है बेंगलोर की टीम सीजन 9 के ऑक्शन से पहले कौन कौन से प्लेयर को रिलीज कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, आप भी अपना थॉट कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्टेड रिटेन प्लेयर लिस्ट रह सकती है, आप भी अपने अकॉर्डिंगली रिटेन प्लेयर्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो गाइस शो की फैन करते हैं, बड़ा आपको थोड़ी पसंद आए शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग ऑर्डर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।